हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फूड्स एंड मैजिक। आजकल वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है और इंडिया के मैच के बीच टेस्टी स्नैक्स मिल जाए तो मैच का मजा ही दुगना हो जाता है। मूंग दाल पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मूंग को पानी में भिगो कर छोड़ दें। जब मूंग अच्छी तरह फूल जाए तो उसे साफ पानी में अच्छे से धोकर निकालें। भिगोए हुए मूंग दाल में प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन डाल दें। मूंग दाल में मिर्च, जीरा, नमक स्वाद अनुसार और धनिया डालें। इन सब को मूंग की दाल के साथ अच्छे से मिला लें। जब सारी सामग्री अच्छे से मिल जाए तो उसे मिक्सी में डालकर अच्छी तरह पीस लें। अब पेस्ट को दूसरे बाउल में डालें और बारीक कटा धनिया पेस्ट में डालकर उसे अच्छी तरह से मिला लें। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह मिल जाए तो एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर चूल्हे में रख दें। अब कढ़ाई में तेल डालें और उसे गर्म होने दें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें धीरे धीरे मूंग की दाल के पेस्ट को तेल में डालें। आप चाहें तो इन्हें हाथों से गोल करके भी कढ़ाई में डाल सकते हैं। मूंग दाल पकौड़ों को डीप फ्राई करें। देखिए, अब सुनहरा रंग आने लगा है। इस स्टेज में आप पकौड़ों को कढ़ाई से निकालें। पकोड़े अब बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसे हरी और लाल चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें और इंडिया के अपकमिंग मैचों का इसके साथ मजा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर हेल्दी एंड टेस्टी फूड।